हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 25 वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सी टेट, यूपी टेट और अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो आंसर है हमारा फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर दो है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है? तो ये है आंसर हमारा मंडीवल, जो जबड़े में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? एक नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वह हर 2 घंटे में जगकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो इसका आंसर है 90%, यानी कि 90% बालक का विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है, और 10 वर्ष की आयु तक बच्चे का 95% तक विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बाल अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? आंसर है, बाल अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350, यानी कि 350 तक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये नियम नहीं लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर एट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित वर्ग को देना अनिवार्य होगा? आंसर है 25%। क्वेश्चन नंबर नाइन है, 25 से कम बुद्धि लब्धि बालक क्या कहलाता है? तो 25 से कम बुद्धि लब्धि बालक जड़ बुद्धि कहलाता है, और सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 190 से 110 होती है। क्वेश्चन नंबर टेन है, कुशाग्र बुद्धि एवं प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता एवं प्रवीणता का परिचय देता है। ये कथन किसका है? यहाँ पे कथन से है क्वेश्चन, ये हैविंग हर्ट्स का, हमारे मनोवैज्ञानिक हैविंग हर्ट्स का है ये। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य, जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है, करने में असमर्थ रहता है। यह किसका कथन है, किसने कहा है ये? ये कहा है सिरिल वर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो हमारा है आंसर बहुतत्व सिद्धांत को, जो डाल्टन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? यह है लेवेटर का। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग बालक 12 वर्ष के बालक के मस्तिष्क का भार लगभग 1260 ग्राम होता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। प्लीज सब्सक्राइब, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो सभी जानते हैं, आंसर है हमारा 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के
के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं और बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? बालक की विकास की दशा सिर से पैर की ओर, इसे हम केंद्र से बाहर की ओर भी कह सकते हैं और इसे सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तूफान की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? ये तो पता है आपको सबको, स्टैनले हॉल ने तूफान की अवस्था कहा है, किशोर अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 19 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर है कोहलबर्ग, जो गेस्टाल्टवादी हैं हमारे। और ये क्वेश्चन नंबर 20, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है, जो जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संवेग क्या है? संवेग मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी, भय, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? ये हमारा जिन प्याजी जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उसी की है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उसके अंतर्गत आता है ये। क्वेश्चन नंबर 23, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस से संबंधित है? यह है हमारा अपसारी चिंतन से, और प्रतिभावान बच्चे जो होते हैं वो हमेशा अभिसारी चिंतन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, ये किसका कथन है? ये हमारे मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो का। ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन हमारे पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।